भैया किसका रो रहा है? देखो बच्चे क्या सुन के सब बड़े बच्चे चुप हो गए। अच्छा जब पानी आप लोग कभी गर्म किया होगा फैलाया होगा तो उसके ऊपर क्या जम जाता है वो कुछ कहाँ से आता है वो बाल्टी से ऐसा हो बाल्टी चिपका हो निकल आता हो पता है असली गंदगी तो वही होती है। असली गंदगी जो पानी की दिखती नहीं हमें वो वही होती है और उबले भी पानी से साफ तो पानी भी नहीं है। अगर हम साफ पानी पिएंगे तो बीमार होंगे क्या? कुछ लोग ना करें तो लोग हाँ कर रहे हैं। हाँ कौन कर रहा है भैया? जो ना नहीं करेगा वो तो हाँ ही कर समझेंगे ना उसकी तुम। यहाँ भैया आप सही कह रहे हैं कि पानी से गंदा पानी पीने से ज्यादा सही रहेगा। ऐसे साफ खाना है आपने साफ बनाया और बनाने के बाद नहीं ढका उसको ढक के नहीं रखा गोल पट्टी ना खाना परेशान ना मिलेगा सबको बुबला पानी मिलेगा। अच्छा यहाँ लोग काम करने बाहर जाते हैं क्या? नहीं 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 घर में जो पुरुष हैं जो आदमी हैं वो काम धाम करने के लिए बाहर जाते हैं कोई किसी के यार ले यार हमको जाने दो आए इधर आ अरे यार हमको बैठे हो देर तो हम तो देख ही रहे हैं कहीं नौकरी वोकरी करते हो बाहर कुछ करते हो काम धाम 150-200 रुपया अरे जी देखिए बताएं एक बात केवल मान रहे हैं भैया बिना पैसे के तो परिवार नहीं चल सकता ठीक है भले ही वो खेती में जो अनाज उतना उसको बेच के लाते हो ये भी तो भाई जो नहीं नौकरी करता वो खेती से लाएगा पैसा ऐसा तो नहीं बिना पैसे काम चलता होगा भाई महीने में कैसा भी कम से कम खर्चा कितना होता होगा देखिए हमारा कहने का जो मतलब है ये पूछ रहे हैं हम केवल कि जो आपके पास पैसा आता है वो एक ही माध्यम से तो आता होगा या तो कोई नौकरी करता होगा या खेती से आता होगा ठीक है कहने का मतलब ये है। अब मान लेते हैं कि हर आदमी बाहर नौकरी कर रहा है एक दिन में 200 रुपए कमा रहा है जब वो 30 दिन मेहनत करेगा एक महीना जब काम करेगा तो उसे कितना मिलेगा पता आपको? 6,000 रुपया मिलेगा बस 6,000 रुपया। अब 6,000 रुपया उसको मिला अरे तो खर्चा भी वैसा ही होगा। भाई सामू कॉल करता हूँ ठीक है आज बोल रहा हूँ भाई सामू कॉल करता हूँ प्लीज बोलता सामू कॉल करता हूँ आई कॉल यू लेटर बॉस देखिए अगर एक आदमी रोज का 200 रुपये कमा रहा है तो महीने का 6,000 कमाया उसने कौन आ गया अरे पकड़ निपटा दो ये गया दूर देखिए अगर एक आदमी रोज का 200 कमा रहा है जब वो 30 दिन मेहनत करेगा तब उसको 6,000 रुपये मिलेगा केवल। अच्छा एक दिन खाने पीने में या रोज का खर्चा कितना है एक परिवार का पता किसी को? भाई खाना पीना बनता है सब्जी भाजी आएगी नहीं आएगी
नमक है, तेल है, मसाला है, कम से कम कितना खर्चा जाएगा? कम से कम 100 रुपए, मतलब महीने का 3000 रुपया। मैं अपने घर सब्जी ले जाता हूँ ना दादी, तो छोटे से झोले हैं 200 रुपए सब्जी आती है 3 दिन के, 2 दिन के लिए, 2 दिन की सब्जी सभी 200 रुपए की है। वहाँ झोले में आप 200 रुपए सब्जी ले आते हो? अगर रोज का हमारा 100 रुपए खर्च हो रहा है परिवार में, तो महीने में खर्च हो गया 3000 रुपया। अब उस आदमी 6000 कमाए और 3000 रुपए खर्च कर दिए परिवार के खर्चे में, ठीक सिलेंडर नहीं यहाँ पर, अभी सब क्या चूल्हा नहीं सिलेंडर है, कहाँ पानी गर्म करेगा? अरे कच्ची महंगी है, आवाज सुनती रही 1000 रुपए गैस बिल चलेगा हमारे, अरे 6000 नहीं 2000 महीने में कहाँ है पैनल कमर लगता है, बहुत सस्ते बात है। बच्चे स्कूल जाते पढ़ने, कितनी दूर है स्कूल की? 200 रुपए एक बच्चे का, 4 बच्चे किसी के, 3 बच्चे होंगे 4 बच्चे होंगे, भाई 4 बच्चों की फीस कैसे भी होगी, खर्चा आएगा महीने में 1000 रुपए कम तो आएगा नहीं, 1000 क्या सिलेंडर का, 2-3000 चला गया आपके खाने पीने मतलब घर के खर्चे का, 1000 चला गया आपके बच्चे की पढ़ाई का, अब कितना बचा? 1000 बचा। अगर आप क्या कोई महीने में बीमार हो जाए तो अरे वो बाद में जोड़ेंगे, हम जोड़ा क्या लेंगे, अरे खर्चा वो तो परिवार के हिसाब से है। अच्छा जो आदमी कमा रहा है पैसा, जो कमा के ला रहा है, अगर वो 5 दिन उसकी तरह खराब हो गई था क्या होगा? 5 दिन जाएगा सामान के लिए? नहीं जाएगा। 200 रुपए रोज का 5 दिन कितना हुआ? 1000। खींचो, मतलब उसने 1000 रुपए नहीं कमाए, सामने से लेना। अच्छा होगा, अगर बीमार तबीयत खराब हो जाएगी तो किसके पास जाएगा? नहीं चल रही वार्ता, डॉक्टर का खर्चा कितना आता है? उधर जाओ, उधर उधर सीधे क्या हुआ? उल्लंघन पकड़ो, जाओ जगह खड़ा हो जाओ भैया। फसल 2 या 3 होती है? 2 ही 3 फसल होती है साल में, 3 फसल। अगर मौसम ने साथ दिया तो अच्छी फसल हुई, कहीं पानी ज़्यादा बरस गया तो दिक्कत, पानी कम बरसा तो दिक्कत, गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो भी दिक्कत है, ठंडी कम पड़ी तो भी दिक्कत है, और ज़्यादा पड़ गई तो भी दिक्कत हो जाएगी, मतलब। और अगर इन सबसे कुछ बच गया, अगर फसल में कोई रोग लग गया तो भी दिक्कत है। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि जो पैसा हमारे पास में है, ओए चुप बिल्कुल, कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि किसान के पास सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं। एक तो इनकम मतलब पैसा, मतलब जो उसकी आय है वो नहीं है, बहुत ना के बराबर है। दूसरा, फसलों से भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। कहो साहब कि बहुत ज़्यादा खेती है, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, ऐसा भी नहीं है, ये सच्चाई है। फरुखाबाद कन्नौज साइड में कभी कभी किसान आलू लगता है तो आलू खेतों में छोड़ देता है ऐसे ही सड़ने के लिए, पता है क्यों? पैसा नहीं मिलता, जो लगाया है ना वो भी नहीं मिलता, तो क्या करेंगे ऐसी फसल का हम? तो इसके लिए ज़रूरी है, सबसे पहले हमने बताया था आपको शुद्ध पीने का पानी, अगर साफ पानी पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे क्या हम?
नहीं पढ़ेंगे। साफ खाना, साफ सुथरा खाना मतलब साफ आप लोग बनाते हैं, अगर उसको ढककर रखें मक्खी को उसमें ना जाने दें तो साफ खाना भी खाएंगे हम। अब आती है घर में आप लोग जो साफ सफाई करती है, कूड़ा करकट निकलता नहीं निकलता, कचरा मतलब कुछ कूड़ा निकला, कुछ हमने सब्जियां काटी तो उसका कुछ छिलका विलका निकला वो इकट्ठा किया, अच्छा उसको हम लोग कहाँ फेंकते हैं, उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, कूड़े पे। तो क्या वो साफ कहलाएगा कि आपका गांव साफ है? नहीं चाची, देखिए घूर तो सबके पास है, लेकिन हम जो कह रहे हैं जैसे मान लो रोड से निकले भैया आपके यहाँ कोई मेहमान बाहर से आएंगे तो बगल में जैसे घूर देखा उन्होंने तो अच्छा लगेगा उनको, क्या कहेंगे बड़ा गंदगी है साफ नहीं है। अच्छा इसके लिए कुछ, इसके लिए लोग कुछ कर सकते हैं घूरे पे साफ मतलब उसको साफ रखने के लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग? नहीं हम मतलब हम रास्ता होता है या आप लोग हमें बताएंगे क्या डलवाएं क्या? एक तो आप बात कर रहे हैं इधर भी उठते हैं बगल में यहाँ जगह बहुत पड़ी है। पर किसी को नहीं देख रहा ना, नहीं देख रहा कुछ भी, आप लोग आगे आ जाओ, पूरी जगह खाली पड़ी है, उधर खाली पड़ा पूरा अब इसी सब कोई बढ़ा दे रहा है। नहीं भाई खोले नहीं, काम बहुत कुछ है, घर भी बनाओ ये घर और क्या बनाया पेपर सन का नक्शा एक काम करो ना चले गए ना वो मंदिर है आप लोग का गांव का स्कूल है उधर चारा काटने की मशीन है और जो ये आपके दूसरे से बना हुआ है ये आपके नल है गांव में जो लगे इससे पानी पीते पीने का पानी आ रहा है मास्टर तुम कैसे आ जाओ किनारे आइए बालू से बनाई आपकी रोड सब लो तो बस कमी किसी की अब कमी नहीं है घर तो किसी का है ही नहीं बिना बिना घर के गांव पूरा होगा तो घर सब लोग बनाएंगे नहीं बनाएंगे क्या बात है वो घर मिला जा रहा अभी आपको इसी गांव में ना ठीक है इसमें सभी लोगों को हाथ गंदा ना हो जाए किसी का अरे धो पानी पानी कम नहीं है
अरविंद बनाओ भैया घर क्या को बताओ इधर ले बनाओ है बनाए हो हाँ सब ले लो घर बना दो ये हम कहते प्याले जान पे कौन कह ना का चलो भैया भैया जिनका जिनका घर जहाँ हो वहाँ पर अपने घर को आप रख दीजिए केवल जौन ले हो टोनो गुरु है थी युवा ढोई थी हमार कब्जा ही थी हमार कब्जा युवा है बता दे हां कुआं है वो का हां कुआं में डाल दी घर नहीं बनाई नहीं मैं डाल दी घर कुआं में है कुआं नहीं कुआं में छोड़ दी घर बगा रहे पक्का तो कुएं से तो हां भैया घर बना दे तब जान पे है यू ही का यह तो बना दे तब जान पे है कौन हमारा लंबे सिन नहीं तो मेरे घर खाई नहीं बना तो कुआं मार पड़ा कुआं डाल दे कुआं मार रही नहीं है घर बना डालो ये लाइन में डालो जब ये लाइन में है तो यहाँ पर सिर्फ घर नहीं चाहिए था एक ही मिस्त्री हमारे पास है केवल घर बनाने वाला हाँ बनाइए है और जाने न पे हमारे कहाँ पे का है सबसे साफ जगह पर जो बैठेंगे उससे गंदी जगह पर ही बैठेंगे जब वो मजदूर बैठते हैं कालर तो शुद्ध कर दो कालर कौन होता शुद्ध कर देखो भैया तो देख सकते दिमाग नहीं आ रहा आप कितना पहले थे अरे जो पड़ा तुमको महिलाएं बोलने का बोलने शर्म आ रही है कोई बात नहीं समझ लो हाँ भैया एक जवाब मिला हमें गांव की भाषाओं से कुछ ही कहते हैं यही ना आदि तुमको काम कर रहे हो जवाब नहीं मिल रहा आप लोग बाहर नहीं जाते क्या दादा किस कहूँ यहाँ पर पांच छह घर छोड़कर सबके लैट्रिन बनी है लेकिन पांच ही छह लोग को छोड़ करके सब बाहर जाते हैं ठीक है सच्चाई है कि